लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने ये पहली बैठक बुलाई और इस बैठक में जो राज्य स्तर के और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था। बाकायदा उनको ये भी कहा गया था। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने बैठक बुलाई, राज्य स्तर और प्रदेश स्तर के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठक में शामिल हुए। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ये बसपा कार्यालय है और यहाँ करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में जो राज्य स्तर के और जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, अन्य राज्यों से भी जो नेता हैं, झारखंड हो, बिहार हो, तमाम राज्यों से यहाँ पर जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए हैं। क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि बेहद जो अहम बैठक में रहा, वो जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि आकाश आनंद को दोबारा से उनकी ताजपोशी की गई है, दोबारा से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो युवाओं में जिस तरह से जो नेता निकले, उनसे बात करी थी, उनको कहा कि युवाओं में बेहद खुशी होगी क्योंकि वो युवा हैं और आगे चल के बसपा का जो नेतृत्व करेंगे उससे काफ़ी जोश रहेगा, बसपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, उनमें जोश रहेगा, एक अलग लहर रहेगी, गर्मजोशी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें जो चुनाव में करारी हार हुई उसको लेकर की भी समीक्षा की गई है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा, जो बैठक से निकले नेता, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो हार का कारण रहा है उसकी समीक्षा की गई है। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता हैं जो घरों से नहीं निकले उन पे गाज गिरेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने ये पहली बैठक बुलाई और इस बैठक में जो राज्य स्तर के और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था। बाकायदा उनको ये भी कहा गया था। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने बैठक बुलाई, राज्य स्तर और प्रदेश स्तर के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठक में शामिल हुए। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ये बसपा कार्यालय है और यहाँ करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में जो राज्य स्तर के और जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, अन्य राज्यों से भी जो नेता हैं, झारखंड हो, बिहार हो, तमाम राज्यों से यहाँ पर जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए हैं। क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि बेहद जो अहम बैठक में रहा, वो जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि आकाश आनंद को दोबारा से उनकी ताजपोशी की गई है, दोबारा से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो युवाओं में जिस तरह से जो नेता निकले, उनसे बात करी थी, उनको कहा कि युवाओं में बेहद खुशी होगी क्योंकि वो युवा हैं और आगे चल के बसपा का जो नेतृत्व करेंगे उससे काफ़ी जोश रहेगा, बसपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, उनमें जोश रहेगा, एक अलग लहर रहेगी, गर्मजोशी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें जो चुनाव में करारी हार हुई उसको लेकर की भी समीक्षा की गई है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा, जो बैठक से निकले नेता, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो हार का कारण रहा है उसकी समीक्षा की गई है। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता हैं जो घरों से नहीं निकले उन पे गाज गिरेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।